नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाले दीपी के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे होंडा सिविक की। ये सिविक है 2007 की, तो ये काफी पॉपुलर गाड़ी थी और आज भी इसके काफी सारे चाहने वाले हैं। इस गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं बिकॉज गाड़ी मॉडिफिकेशन के लिए एक नंबर थी। इसके इंजन में, इसके बॉडी लैंग्वेज में, इसके आप हर एक तरीके से इसको आप प्रेजेंटेबल बना सकते थे और मॉडिफाई कर सकते थे। स्टेज टू हर जगह पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते थे। गाड़ी चलने में बहुत ही अच्छी थी, स्टॉक कंडीशन में भी गाड़ी काफी अच्छी दिखती थी और काफी अच्छा परफॉर्म करती थी। तो चलिए देखते हैं कि गाड़ी दिखती कैसे है, चलती कैसे है और क्या यूनिक फीचर्स है जो गाड़ी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते थे और इसकी इतनी कल्ट फॉलोइंग थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है। सिविक आज भी 2007 में जब ये गाड़ी आई थी उसके बाद आज भी ये गाड़ी काफी शानदार और काफी अच्छी दिखती है। फ्लूइडिक डिजाइन है इसका, फ्यूचरिस्टिक वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हेडलैम्प्स है, यहाँ पे अपर और डिपर के लिए अलग अलग हेडलैम्प्स है। यहाँ पे फॉग लाइट की जगह, हालांकि इसमें नहीं है, बट यहाँ पे फॉग लाइट की अलग से जगह दी गई थी। छोटा सा मिनिमल ग्रिल जो है इसमें और ये होंडा की बैजिंग क्रोम के साथ, तो बहुत ही स्लीक और काफ़ी एरोडायनामिक लगती थी गाड़ी। साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं कि इसके 16 इंच के टायर्स जो है, 16 इंच के रिम्स है और ये जो पूरा जो डिज़ाइन है, पूरा डिज़ाइन एलिमेंट है जो गाड़ी का, काफ़ी फ्लूइडिक और काफ़ी एरोडायनामिक लगती थी। साइड से डोर हैंडल से लेके एक जो कलर्ड ORVMs है वो सब इतने अच्छे से डिज़ाइन किए गए थे, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखते थे गाड़ी में। अब आते हैं हम पीछे की तरफ, तो ये रहा गाड़ी का टेल लाइट। टेल लाइट भी देखेंगे आप, ये जो इसका डिज़ाइन दिया गया हुआ है ड्यूल हैलोजन लैम्प के साथ, काफ़ी अच्छा दिखता है। होंडा की बैजिंग, IVTEC, सिविक का नेम प्लेट। तो और नीचे यहाँ पे आपको ड्यूल एग्जॉस्ट दिया गया है, तो पीछे से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखती थी और आज भी आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी एरोडायनामिक और काफ़ी अच्छी दिखती थी। ये को ड्राइवर से गाड़ी का साइड प्रोफाइल, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी जो है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखती है। एंड इसके जो लाइंस, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो ओवरऑल एलिमेंट्स है, चाहे डोर हैंडल्स हो, चाहे इसके मिरर्स हो, कुछ भी एकदम अच्छे से परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है गाड़ी के साथ। चलिए हुड ओपन करके देखते हैं कि इंजन बे कैसे दिखता है। तो यहाँ से आप जो लीवर है इसको सब पुल करेंगे और गाड़ी ऐसे उठाएंगे, तो ये रहा आपका इंजन बे। ये रहा आपका 1800 cc का 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने वाला इंजन, IVTEC वाली, एयर फिल्टर, बैटरी कंपार्टमेंट, फ्यूज बॉक्सेस, तो सब कुछ बहुत ही नीटली प्लेस किया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह भी है कि आप सर्विस करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी इसमें जगह दी गई है, बट इतना भी नहीं कि सब कुछ दूर दूर है, काफ़ी सब इसको अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है, काफ़ी नीटली डिज़ाइन किया गया है। ये रहा इंसुलेशन मटेरियल ताकि अंदर NVH लेवल कम रहे। चलिए अब फ्रंट साइड से देखते हैं, ड्राइवर साइड से, कि गाड़ी कैसे दिखती है। डोर ओपन करके हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका केबिन दिखता है। केबिन ड्यूल टोन में आता है, हालांकि सीट्स आफ्टर मार्केट की गई है, बट जो केबिन है ओवरऑल केबिन का लुक और फील अच्छा है। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। जब डोर बंद करते हैं तो ये थर्ड साउंड अच्छा लगता है। गाड़ी वेल बिल्ट है, ये आप देख सकते हैं कि आपके सारे मिरर कंट्रोल्स, सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल्स और ये पावर मिरर की कंट्रोल्स लेफ्ट राइट करके आप जो एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए मैनुअली कंट्रोल्स। ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसे सिलेक्ट, उसमें जो भी आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है उसके लिए बटन्स है। आपका स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा दिखता है, ये स्पोर्टी फील होता है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मैं इसे ऑन करके दिखाऊंगा एक मिनट में। यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेंटर कंसोल में आपका म्यूजिक सिस्टम, ये डैशबोर्ड के अंदर इतने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इतने अच्छे तरीके से इसको फिट किया गया है। ये पूरे थीम के साथ अच्छा जाता है, पूरा फ्लूइडिक लगता है अंदर से भी ये गाड़ी। ये आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्लाइड करके ये जो जगह दी गई है कुछ सामान रखने की, हैंड ब्रेक का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। गियर लीवर ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आपका कुछ सामान रखने की जगह जिसे ओपन क्लोज करके आप ट्रे देख सकते हैं। ये आपका जो आर्म रेस्ट है, अंदर आप कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं और ये एडजस्टेबल है, एक अच्छी बात है। सीट्स में बोलूंगा, सीट्स वेल कुशन्ड है हेडरेस्ट के साथ, सीट्स अच्छे हैं। जब कंपनी फिटेड सीट्स भी आती थी, लेदर सीट्स, वो काफ़ी अच्छी थी और एक कॉन्फिडेंट फील होता था जब गाड़ी में आप बैठते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जब गाड़ी चलाते हैं। तो ये आपका होल्डिंग ग्रैब हैंडल जो है को ड्राइवर साइड का, कुछ कॉइन्स वॉइन्स, छोटी मोटी चीजें रखने की जगह और पावर विंडो कंट्रोल्स। तो ओवरऑल जो थीम है गाड़ी का काफी अच्छा दिखता था। ये रहा AC के वेंट्स, सन ब्लाइंडर्स, इसमें आपको मिरर भी मिल जाते थे दोनों साइड से, ड्राइवर साइड में भी आपको जो सन ब्लाइंडर्स है उसमें भी आपको मिरर मिल जाता था।
यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि ये कहीं ना कहीं इसे मैनुअल जो आप देख सकते हैं कि ये मैनुअल दिया गया है, तो थोड़ा सा ये था कि इतना सा फीचर्स देने के बाद इसे ऑटोमेटिक दिया जा सकता था। तो इस प्रकार से ओवरऑल केबिन दिखता है आपका। चलिए पीछे बैठ के देखते हैं कि रियर साइड से गाड़ी कैसे लगती है पीछे बैठ के। उससे पहले मैं आपको एक बार गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे दिखता है। तो ये देख सकते हैं आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे दिखता है, और ये रहा ड्यूल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऊपर भी जो है ये थोड़ा सा है आपका डिजिटल वाला, और ये रहा एनालॉग वाला। तो दोनों अच्छा एक बोलते हैं लाइन ऑफ साइट में काफी अच्छा दिखता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखते हैं। चलिए पीछे बैठ के देखते हैं। तो ये रहा बैक सीट सेवक का। अब तो आप देख सकते हैं कि सीट की प्लेसमेंट अच्छी की गई है, जगह नी रूम के लिए वगैरह ठीक ठाक है, सीट कंफर्टेबल लगते हैं। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको व्यू दिखता है आगे का, जो स्टेयरिंग और बाकी सब चीजें हैं। तो व्यू जो है ये काफी अच्छा दिखता था, जो पीछे पैसेंजर्स बैठते थे उनके लिए ट्रीट था कि काफी अच्छा दिखता है। विंडो ग्लासेस आप देख सकते हैं कि बड़े हैं, रूमी काफी फील होता है, काफी एरी फील होता है जो गाड़ी अंदर से। ये सब जो छोटे छोटे फीचर्स दिए गए थे कि आपको साइड में लाइट्स दिए गए हैं, रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं, बीच में आपको रीडिंग लाइट दिया गया है, ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो ये सब जो यूनिक फीचर्स थे गाड़ी के काफी अच्छे थे। ये आर्मरेस्ट हालांकि इसे आफ्टर मार्केट किया गया है, वरना इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें आपके म्यूजिक कंट्रोल्स थे बीच में। तो ये एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक चीजें थी, आपके बॉटल रखने की जगह दोनों डोर्स में। और ये जो है अपना ग्रैब हैंडल, ये भी काफी अच्छा है। और आप देखेंगे कि सिविक में मोस्टली आपको ये ड्यूअल टोन, ये जो मेटालिक क्रोम करके डोर में आपको जो हैंडल्स पे और जो पावर विंडोज के यहाँ पे दिया जाता है, वो थोड़ा सा थीम अलग हो जाता है बीच के साथ, एक यूनिक लुक लगता है। मैं गाड़ी के रियर सीट में बैठा हूं, और आप देख सकते हैं कि हेडरूम डिसेंट है, सेडान है, ज्यादा हेडरूम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नी रूम भी ओके है, बिकॉज आगे की सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट की गई है। और आप देख सकते हैं कि हेडरेस्ट वगैरह सब कुछ दिया गया है, सीट काफी कंफर्टेबल है। गाड़ी मोस्टली ये था कि ये गाड़ियां चलाने में भी बहुत अच्छी थी, और पीछे बैठने के लिए भी अच्छी थी, कि ड्राइवर्स कार बोली जाती थी इसको, एज वेल एज आप पीछे ही बैठेंगे तो पीछे का कंफर्ट भी गाड़ी का काफी अच्छा था। चलिए अब देखते हैं कि बूट स्पेस कैसा है गाड़ी का। तो बूट खोलने के लिए आप आगे ड्राइवर साइड से भी बटन दिया गया है, और यहां से भी आप चाबी लगा के बूट को खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका बूट खुल जाता है। आप देखेंगे कि ये प्योर पेट्रोल है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं आप, तीन चार आराम से बैग रख सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ओवरऑल आप देखेंगे कि स्पेस काफ़ी अच्छा है। ट्रे उठा के देखते हैं, तो ये रहा आपका जैक जो लिफ्ट करके गाड़ी का टायर चेंज किया जाता है, और यहाँ पर फुल स्पेयर दिया गया है अलॉय व्हील के साथ, तो एक अच्छी बात थी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ओवरऑल इस प्रकार से आपका बूट स्पेस दिया गया है। चलिए अब गाड़ी चला के देखते हैं कैसे फील होती है। सबसे पहले इंप्रेशन आता है वो मैं बताता हूँ गाड़ी का। जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग जो फील है गाड़ी का, काफी अच्छा फील होता है। मैं बोलूंगा कि जो होंडा का स्टीयरिंग है, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में सबसे लाइट स्टीयरिंग थी 2007 में तब के हिसाब से। हालांकि अब होंडा और मारुति इन सबकी भी स्टीयरिंग काफी स्मूथ हो चुकी है, बट तब के टाइम में अगर 2007 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे, तब होंडा एक लौती ऐसी गाड़ी थी जिसकी स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा हल्की थी। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा फील होता था कि हाई स्पीड में गाड़ी कहीं ना कहीं स्टीयरिंग गाड़ी बहुत लाइट, ज्यादा लाइट फील होने की वजह से गाड़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील होती थी। बट ये परफेक्ट है, ये सेडान जो इसको डिजाइन किया गया था, हाई स्पीड में स्टीयरिंग, अगर आप ज्यादा हाई स्पीड रहेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है कि गाड़ी आप शायद कंट्रोल में आए ना आए, बट वो छोड़ के अगर स्टीयरिंग फीडबैक काफी लाइट है, अच्छा है। मैं बोलूंगा सिटी में चलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, गाड़ी जैसा चाहिए वैसा आप पॉइंट कर सकते हैं, इसीलिए तो गाड़ी काफी ड्राइवर्स कार मानी गई है, और इसलिए बहुत ज्यादा चलन में थी ये गाड़ी, क्योंकि आप जैसा चाहिए वैसा इसको चला सकते हैं। स्टीयरिंग लाइट फील होती थी, तो जैसे आपको ओवरटेक करना है, कट मारना है, या टाइट स्पॉट में आपको पार्क करनी है, तो गाड़ी इस मामले में काफी कॉन्फिडेंट फील होती थी। सिर्फ हाईवे पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये लाइट स्टीयरिंग की वजह से आपको फील होता था कि शायद हल्का सा वेट और एड ऑन हो सकता था, वो छोड़ के कोई कंप्लेन नहीं है स्टीयरिंग डिपार्टमेंट में। इंजन में बात करूंगा कि 1800 सीसी का इंजन जो है इसका काफी अच्छा, 130 हॉर्स पावर का जो पावर प्रोड्यूस करता था, वो गाड़ी को काफी अच्छी कॉन्फिडेंस देती थी। और इस पावर के साथ जो गाड़ी का हैंडलिंग था, और जो गाड़ी का जो डिजाइन एलिमेंट था, जो गाड़ी को एरोडायनेमिकली डिजाइन किया गया था, ये काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती थी। तो गाड़ी ऐसा लगता था कि काफी फास्ट आप भगा सकते हैं इसको, और आप तुरंत इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी फास्ट जाइए, 120, 150, 160, गाड़ी अच्छे कंट्रोल में रहती थी।
तो किसी भी एंगल से ना इंजन इसका वीक लगता था, ना स्टीयरिंग वीक लगती थी, और सस्पेंशन सेटअप भी इसका काफी सॉफ्टर साइड पे था। एक दिक्कत जो ये थी इस गाड़ी की कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था। हालांकि होंडा के साथ यही प्रॉब्लम काफी टाइम से रहा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ियों का है काफी कम रहा है। 2012 की सिटी में थोड़ा सा उन्होंने बेटर किया था, बट सबक में यही बिकॉज इसको गाड़ी चलने में इसलिए अच्छी थी कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था, तो गाड़ी जमीन पकड़ के चलती थी। ये एक एडवांटेज भी था, ये गाड़ी भगाने में और कंट्रोल करने में अच्छी थी। बट एक डिसएडवांटेज ये था कि इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे इतने सारे पॉट होल्स है, जहां पे स्पीड ब्रेकर्स इतनी अब्रप्टली बनाई गई है, वहां पे अगर आप इतनी लो, जिस गाड़ी का सस्पेंशन लो है, जिस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ऐसी गाड़ी आप चला रहे तो गाड़ी हर एक आइलैंड पे, हर एक स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी कहीं ना कहीं रब होती थी, घसती थी, जो कि थोड़ा सा पेनफुल फील होता था। बस इसका सोल्यूशन ये आ गया था कि आप इसका राइड क्वालिटी बढ़ा सकते थे, आप सस्पेंशन को थोड़ा सा उसका हाइट इंक्रीज कर सकते थे, तो ये एक ऑप्शन था। बट कहीं ना कहीं आपको फील होता कि गाड़ी काफी सॉफ्टर साइड पे थी। चलाने में मैं नहीं बोलूंगा कि कंप्लेन था या पावर में कंप्लेन था, बट वही था कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम थी। एडवांटेज भी था बट ये डिसएडवांटेज भी था कहीं ना कहीं इस गाड़ी का। मेंटेनेंस की बात करेंगे तो अगर आज भी आप इस गाड़ी को लेना चाहेंगे, गाड़ी आपको 80,000 से 1,00,000, 1,20,000 में आराम से मिल जाएगी। मेरे ख्याल से 80,000 से 1,00,000 इज अ वेरी डिसेंट प्राइस इस गाड़ी का। उसमें आपको ये अच्छे प्योर पेट्रोल में, अच्छे डिसेंट कंडीशन में आपको गाड़ी आराम से मिल जाएगी। बट दिक्कत ये है कि गाड़ी सस्ती मिल रही है पर इसका क्या मेंटेनेंस इजी होगा, ये आपको ध्यान रखना कि गाड़ी मेंटेन करने के लिए इजी नहीं है। इनफैक्ट आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो काफी हाई है। इसके पार्ट्स पहली बात आपको मिल जाएंगे तो भी हाई कॉस्ट पे मिलेंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको कोई हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता वेट करना पड़ेगा। यूज्ड कार पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे बट वही है कि आपके सिटी में क्या अवेलेबल है कि नहीं। तो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है इसका, ये थोड़ा सा ऑन हायर साइड था। तो ये ध्यान रख के आपको गाड़ी लेनी है कि अगर आप शॉप के लिए गाड़ी ले सकते हैं, सिर्फ इतना है कि अगर आप मेंटेनेंस संभाल सकते हैं तो डेफिनेटली गाड़ी इज अ ट्रीट। एवरेज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 6 से 7 या 8 का मैनुअल एवरेज देती थी सिटी में। मैनुअल या ऑटोमेटिक आप दोनों भी चलाएंगे तो वही था 6 से 8 के बीच में। और अगर यही आप गाड़ी को अगर हाईवे पे भगा रहे तो हाईवे पे यही गाड़ी आपको तकरीबन 13-14 तक आराम से गाड़ी पहुंच जाती थी। तो माइलेज डिसेंट था, हालांकि जितनी भी गाड़ी आती थी, चाहे वो एलांट्रा हो, सोनाटा हो, सिविक हो या कैमरी हो, ये जितनी भी गाड़ियां थी इन सबका एवरेज सिटी में और हाईवे पे वही था। तो कुछ ज्यादा अच्छा माइलेज नहीं था, डिसेंट माइलेज था। हालांकि सीएनजी फिट करके आप सीएनजी में इसको अच्छी माइलेज मिल जाती थी, आप सिटी में इसको 10 के ऊपर और हाईवे पे कहीं ना कहीं 18-19 तक आपको इसको माइलेज मिल जाता था सीएनजी में हाईवे पे। तो हमने राइड क्वालिटी की बात कर ली, सस्पेंशन की बात कर ली, मेंटेनेंस की बात कर ली, गाड़ी की कॉस्ट की बात कर ली, ओनरशिप कॉस्ट की बात कर ली। अभी आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए गाड़ी आपको कैसी लगी। बिकॉज मेरे हिसाब से गाड़ी एक ये ड्राइवर्स डिलाइट है, क्योंकि इसका जो मॉडिफिकेशन का जो लिमिट है, कोई ऐसा कुछ ये नहीं कि आप इतना ही खर्च कर सकते हैं। आप चाहिए 2,00,000-5,00,000, जितनी आपकी लिमिट हो आप उतना खर्च कीजिए, गाड़ी उतनी अच्छे तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। हालांकि सिर्फ बाहर जो एस्थेटिक मॉडिफिकेशन के साथ साथ इसका इंजन, चाहे आप इंजन में टर्बो लगाइए या इंजन का आप पावर बढ़ा सकते हैं, आप और स्मूथ कर सकते हैं, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन कोई लिमिट ही नहीं था। आप जैसा चाहिए वैसा मॉडिफाई कर सकते थे, लुक वाइज, फील वाइज, चलाने के लिए, सस्पेंशन के लिए, हर चीज में आप इसको मॉडिफाई कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवर्स डिलाइट था गाड़ी को रखना। तो पर्सनली मेरी फेवरेट रही है गाड़ी, वन ऑफ माय फेवरेट्स की, इसको रखना चाहिए कलेक्शन में। आप तो दोस्तों आपने देखा गाड़ी दिखती कैसे है, चलती कैसे है। हालांकि पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये कहीं ना कहीं कलेक्टर्स आइटम लगती है। गाड़ी अपने टाइम के हिसाब से काफी शानदार, काफी खूबसूरत लगती थी अंदर से, बाहर से, चलाने में गाड़ी बहुत ही ब्यूटीफुली चलती थी गाड़ी। तो मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है। आपको गाड़ी कैसी लग रही है, आपको दिखने में कैसी लगी, क्या यूज कार में आप ये लेना पसंद करेंगे, क्या अपने कलेक्शन में आप इसे रखेंगे या आप इसको डेली ड्राइवर की तरह यूज करना चाहेंगे, आप बताइए। आपको गाड़ी कैसे लगी, फीचर्स कैसे लगे इसके, और कौन सी गाड़ी का नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं, कुछ और सवाल रहेंगे इसको मेंटेनेंस के लिए, क्या कुछ भी आपके मन में सवाल रहेंगे आप हमें पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं carwaledubeji@gmail.com पे, और इंस्टाग्राम हर जगह पे आप फॉलो करके आप वहां पे भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कारवाले दुबे जी की तरफ से साइनिंग ऑफ।